अभी हाथ से जाग रहे हैं तीन चार दिन से, इनकी वजह से ये शो हो पाया। इनके सभी साथी अभी विलास जी, बरकत भाई, वर्मा जी, मनीष मौर्या के फादर श्री सर्वानंद जी, मनीष मौर्या के भाई संत प्रकाश मौर्या, जिनकी वजह से ये इवेंट ये शो हो पाया। इनकी बहुत मेहनत है वीरेंद्र जी, इनकी वजह से ये शो हुआ। ये एक साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। मेरे शेट्टी ये जो रिकॉर्ड हमने बनाया है लार्जेस्ट वर्ड फॉर्मेशन, ये हम लोग बेसिकली फील प्राउड टू बी इंडियन सेंटेंस बनाने वाले थे, तो हमने इंडियन फॉर्म किया है वर्ड। ये जो इवेंट करने का मेन पर्पज़ ये है कि लोगों में एक नेशनलिज्म और उनको प्राउड फील हो कि वो इंडियन हो, और एक जगह साथ में सबको लाके चाइना का रिकॉर्ड जो दूसरे कंट्रीज में रिकॉर्ड बनते हैं हम लोग उसका रिकॉर्ड इंडिया में ब्रेक करें। और इसके लिए हमारे जो पार्टनर है मिस्टर दीपक कपूर सर एंड एनिमेटर जो सुप्रिया तेवर, इन लोगों का जो मेरे पूरी टीम का नीलेश शेट्टी अपने भूपेश श्रीवास्तव जी जो मेरी टीम है, इसलिए जो एक पूरा इवेंट जो सक्सेस हुआ है जो करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पूरे पूरे अपने ऊपर कितना बड़ा इवेंट कर सकते हैं। लोगों को एक बिलीव जीतना पड़ता है और इसके दिन रात मेहनत करना पड़ता है। मैं प्रीवियस अभी दो दिन से मैं खुद आया नहीं हूँ इस इवेंट करने के चक्कर में। आप क्या बहुत मेहनती हैं, जैसे लास्ट तीन चार साल से वो ब्लिस रेस भी कर रहे हैं फैशन शो, तो हमने मिलकर के प्लान किया था कि एक इवेंट करना है जो यूनिक हो, जो अब तक नवी मुंबई में नहीं हुआ है। और लास्ट एक साल से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी सारे स्कूल्स में हमें काफ़ी स्कूल्स के पीछे में मेहनत करनी पड़ी एक साल से, आज जा करके हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। मुझे अपने बचपन की याद आ गई जो स्कूल टाइमिंग था, और आज जो ये लोग तरक्की कर रहे हैं इनके लिए एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि इतना ऊंचा मकाम हो तेरा, सारी दुनिया में नाम हो तेरा, खुद ही चल कर के मंजिल तेरे करीब आए, जिस जगह भी क़याम हो तेरा। मैं थैंक्स बोलूँगा सोहन उनियाल साहब का जो देहरादून से तशरीफ़ लेकर आए हैं। आप लोगों से तो रूबरू मुलाकात होती रहती है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो सोहन भाई की वजह से, और बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ आकर, बहुत ही मज़ा आया है जिस तरीके से क्राउड को देखा है। थैंक बोथ माई ऑर्गेनाइजर्स मनीष मौर्या सर एंड दीपक सर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड एज ए लेडी मैं हूँ और राक्षी मैम है यहाँ पर। सो ये इवेंट जो है प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके एक साल हुआ इसमें, एंड द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज कि नवी मुंबई में नेशनलिज्म प्रमोट करना था हमें, नेशनलिस्टिक जो मूवमेंट है हर एक के अंदर जो एक नेशनलिज्म छुपा है वो निकालना था हमें। ऑन डेली बेसिस हम कंट्री को हमारा प्यार दिखा नहीं पाते, तो एक दिन हमने चुना 14 अप्रैल को जिसमें हमने लोगों को इकट्ठा किया और हम सक्सेसफुल इवेंट कर। बहुत अच्छा लगा मैम, ये आपने भी देखा होगा कि क्राउड बहुत ज़्यादा था और बहुत मतलब सबने दिल से पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर संडे होके भी लोग आए हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये है जो एक ही दिन मिलता है वर्किंग पेरेंट्स को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो सुप्रिया ने कहा कि वही हमें देखना था कि कितना प्रेम है एक दूसरे के साथ, तो वो दिखा दिया लोगों ने, इंडिया वालों ने दिखा दिया ये, और ये बहुत ज़रूरी था दिखाना। ये शुरुआत है और आगे बहुत करेंगे हम, और ख़ासकर मनीष और दीपक कपूर का मैं और सुप्रिया मैम का थैंक्स करना चाहेंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बहुत फ्लेयर जेस्ट और विस्तार चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोगों ने मिलकर इस शो को ऑर्गेनाइज़ किया। हमें चाहते थे कि बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बहुत हमारी इच्छा थी, तो हमने फिर डिसाइड किया कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाए जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दोस्ती आपस में फैले। तो अब तक 4000 लोगों का रिकॉर्ड था, हमने इस रिकॉर्ड को बुरी तरह से ब्रेक कर दिया है। शुरू से बच्चों से ये सब देश प्रेमी ये सब शुरू कर देगा वो पीछे आके बहुत काम में आएगा। कितना लोग बड़े लोग आप कितना भी बोलो वो अलग बात है, लेकिन जैसा अब्दुल कलाम जी बोलता है बच्चों में उनका कान में भर देगा, ऐसा छोटा छोटा बात है जो है, देश प्रेमी होने दो, डिसिप्लिन होने दो, जो कुछ भी होने दो, बच्चों को इंस्पायर कर देगा, बच्चों को चालू कर देगा ना, वो बड़े होके फ्यूचर इंडिया विल बी फार फार बेटर देन नाउ। अपन जो अभी देखते हैं उसे फार फार क्रिएट किए है। अगर कोई भी सर्च करता है ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट वर्ड जो होगा वो इंडियन आएगा, और वर्ल्ड में हमने एक रिकग्निशन बनाया इंडिया के लिए विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और इसमें हमारे फैमिली लोग होने दो, जैसे यहाँ पर मेरे अंकल खड़े हैं, सारे लोग का सपोर्ट ज़रूर था। एंड वन मोर आगे पीछे करने में सहायता सब लोग दिए है, और जो गाइडेंस के हिसाब से जो बताया गया वो सब गए अच्छे किए। और आप अभी देखेंगे ग्राउंड में देखेंगे 4,000 के ऊपर आदमी लोग आके गए, बच्चे लोग और बड़े लोग, एक भी कचरा नहीं मिलेगा आपको, एक भी पेपर भी नहीं मिलेगा। तो ये कि क्या बोलते हैं अपने क्लीन इंडिया के हिसाब से जो हम लोग जो कर रहे वे फॉलो करना शुरू कर दिया है, दिस हैज़ टू बी कंटिन्यूड। आज के इस सक्सेस
प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले इस जस्ट प्लेयर टीम के कर्ता धर्ता मनीष मौर्य जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इन्होंने प्राउड टू बी इंडियन का जो एक 4000 लोगों का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे आज जो भीड़ थी उसको देख करके लोगों ने बताया कि लगभग 14000 स्टूडेंट ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। प्राउड टू इंडियन नाम से इन्होंने जो एक थीम दिया था उस आज जहाँ पे हर लोग जो है दूसरे सब्जेक्टों को लेकर आते हैं, मनीष मौर्य जी ने देशभक्ति को लेकर के 14000 बच्चों के अंदर जो देशभक्ति की भावना जलाई है, जगाई है और उससे जो लोगों को कनेक्ट किया है, उसके लिए मैं मनीष मौर्य जी को और इनकी पूरी टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि जो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक का आज रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है, इसी तरह अपने जीवन में सफल होते रहें, नए नए रिकॉर्ड बनाते रहें।